महाराजगंज में नेहरू युवा केंद्र रायबरेली द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन व विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करके किया तथा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल के आदर्शों के अनुपालन हेतु युवाओं से अपील की तथा नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों की सराहना की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना, स्वागत गीत सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर किया गया। इतिहास प्रवक्ता सभाजीत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इसी क्रम में पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक एवं शिक्षक इरशाद सिद्दीकी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय और एकात्म मानवतावाद का दर्शन दिया वह आज भी भारतीय राजनीति में प्रासंगिक है। जिला परियोजना अधिकारी संजय कुमार ने अपने उद्बोधन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी के तत्पश्चात फिट इंडिया फ्रीडम की शपथ दिलाने के साथ साथ प्रतीकात्मक रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का निपुण संचालन शिक्षक मधुरेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक गौरव पांडेय, आशुतोष यादव, ओमकार यादव, विमल पाल सहित सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। फिटनेस का डोज, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अन्य मंचासीन महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नौजवान साथियों, छात्र छात्राओं, सम्मानित शिक्षक साथियों, एक नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में एक योजना लेकर अपने बीच में साथियों का आगमन हुआ और एक कार्य योजना बनी कि फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक बाहर एक रैली भी होनी थी और एक संगोष्ठी का आयोजन होना था। कल आदरणीय प्रधानाचार्य जी के माध्यम से हम शिक्षक साथियों को भी ज्ञात हुआ, लेकिन बाहर के कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए